कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के वादे के खिलाफ बढ़ा हंगामा, सड़कों पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता, पीएम मोदी ने भी बोला कांग्रेस पर हमला। प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। कर्नाटक चुनाव के लिए आज भी प्रधानमंत्री का बड़ा प्रचार अभियान, 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। कल भी 3 रैलियों के साथ कुलबुर्गी में किया था रोड शो। कर्नाटक में आज सभी दलों का धुआंधार प्रचार अभियान, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रामनगरम में रोड शो, प्रियंका गांधी विजयपुरा में करेंगे चुनाव प्रचार। एनसीपी अध्यक्ष पद से हटने के फैसले पर विचार के लिए शरद पवार ने मांगा 2 दिनों का वक्त, नहीं माने तो बेटी सुप्रिया सुले को मिल सकती है पार्टी की कमान। महाराष्ट्र में पार्टी संभाल सकते हैं भतीजे अजीत पवार। उनको वक्त देना चाहिए, उसके बाद वो सबका सुनकर ठीक तरह से डिसीजन देंगे। गो एयर की उड़ानों के रद्द होने का दायरा और बढ़ा, 3 और 4 के बाद अब 5 मई की भी उड़ाने को रद्द करने का एयरलाइंस का फैसला, डीजीसीए ने जारी किया नोटिस। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़, माचुल सेक्टर में 4 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर, जवानों ने चारों तरफ से घेरा। देशपाल हत्याकांड मामले में फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तय, निकाय चुनाव के बाद प्रशासन कर सकता है कार्रवाई, घर गिराने के लिए पहले ही दी गई है नोटिस। फिल्म द केरल स्टोरी पर न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। अतीक अहमद के करीबियों पर एसआईटी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस दौरान अतीक अहमद के करीबियों से पूछताछ हुई है, जिसमें पता यह चला है कि अतीक अहमद विवाद सुलझाने के एवज में जमीन को कौड़ियों के भाव पर खरीद लेता था। जांच के दौरान अतीक अहमद की कई अवैध संपत्तियों का पता चला है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया सरगना अतीक अहमद के वकील सौलत हनीफ को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। सीजेएम कोर्ट ने हनीफ को 12 घंटे की पुलिस रिमांड में भेजा।